हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुक मोहल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो है, ये एक शॉर्ट फिल्म के ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो है और इस शॉर्ट फिल्म का नेम है माशाल्लाह गणेशा। पहले हम देखेंगे इस शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस शॉर्ट फिल्म और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। क्या बात है, कमाल ही हो गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इस शॉर्ट फिल्म के हवाले से। आप कह लें एक तरह से इसमें काफ़ी ज़बरदस्त और यूनिक किस्म का ड्रामा है, जो कि पॉलिटिकल बेस और आप कह लें हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड है, जो कि आपको ट्रेलर देखते हुए काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। और इस मूवी को यानी कि शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट किया है वेंकट प्रभु ने, और इसकी जो स्टोरी लिखी है वो है आर टी कुमार ने। और इसके अंदर जो कास्ट में शामिल है, काफ़ी तवील कास्ट है इसकी, जो कि जिनमें शामिल हैं टी सिवा, मास्टर परग, विनिकांत, रमानी, आर टी कुमार, बेबी, पूजिता, जयाप्रकाश, अर्चना वगैरह वगैरह शामिल हैं इसकी कास्ट में। और इसका म्यूजिक दिया है प्रेमगी अमरान ने। और जो कि हम बात करें आपसे इस ट्रेलर के हवाले से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और आप कह लें काफ़ी कुछ जो इस शॉर्ट फिल्म में है वो काफ़ी हद तक ट्रेलर के अंदर वाजे करके उजागर करके दिखाया गया है, जो कि आप कह लें कि कहानी को मतलब एक तरह से अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन का बायस बना रहा है, जो कि आप मतलब काफ़ी कुछ मतलब वाजे हो रहा है जिसकी बिना पर लोग इस मूवी को देख सकेंगे, जो कि अच्छे तरीके से आप कह लें वाजे किया, जो कि पता चल रहा है कि इसमें ऐसा कुछ होगा और जो कि आप फिर देख सकेंगे तो बाकी की कहानी आपको तब पता चलेगी। और जो मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि हिंदू मुस्लिम्स की, तो वो मतलब जो फिल्म होती हैं शॉर्ट फिल्म या इस तरह की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल और चर्चा में रहती हैं, तो काफ़ी लोगों को ये सब्जेक्ट तभी पसंद भी आता है तो उस पर ज़्यादा काम किया जाता है, जो कि आप कह लें एक तरह से भोजपुरी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है बिहार में, जो कि काफ़ी उनकी हर कुछ महीनों के बाद इस हवाले से मूवीज़ वगैरह बनती हैं, जो कि वहाँ पर चलती भी हैं काफ़ी और अच्छी होती हैं और लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, और मतलब और जो कि एक तरह से एज अ मूवी या कहानी के तौर पर देखना चाहिए इंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए, ना कि सीरियस होना चाहिए और दिल पे लेना चाहिए। और जैसे कि हम अब इसके हवाले से बात करें आपसे, वो ये कि जैसे कि ये ट्रेलर जो था इसमें जो मतलब काफ़ी कुछ वाजे जो हुआ है वो यही है कि मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दंगे फसाद आज जो हिंदू मुस्लिम के बीच होते हैं, चाहे इंडिया में ले लें चाहे पाकिस्तान में या कहीं पर भी, इस हवाले से वो होता ये है कि मतलब लोगों को लड़वाया जाता है किसी ना किसी बेस पर, किसी ना किसी बात पर, किसी ना किसी आप कह लें
अहम चीज़ को उजागर करके हिंदू मुसलमान को हमेशा हर जगह लड़वाया गया है, जो कि आपस में भाई भाई और प्यार मोहब्बत अमन सकून सलामती के साथ रहना चाहते हैं। और मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई ही हैं, लेकिन जो है दूसरे लोगों ने लड़वाते हैं, दंगे फसाद करते हैं और फिर तमाशा देखते हैं, जो कि एक तरह से बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं वो, जो इस तरह की मतलब हरकतें करते हैं। और फिर होता ये कि मतलब जो मतलब मुस्लिम जो होते हैं वो अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, दंगे फसाद बम ब्लास्ट टेररिज्म या फिर खुदकश हमलों में, तो वो मुस्लिम लोग नहीं होते, वो नफसियाती मरीज या जहनी मरीज से शिकार होते हैं और उनको इलाज की ज़रूरत होती है। वो मुस्लिम लोगों का नाम बदनाम कर रहे होते हैं, खासकर पाकिस्तानियों का नाम बदनाम कर रहे होते हैं, इस तरह की शर्मनाक और घटिया किस्म की हरकतें करते हैं जिसकी वजह से सारे मुस्लिम बदनाम हो जाते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है आप कह रहे हैं गंदी मछली जो होती है सारे तालाब को गंदा कर देती है, इस तरह जो है एक मुस्लिम अगर इस तरह की हरकत करता है तो फिर बदनाम सब हो जाते हैं, जो कि वो हमारी नज़रिए में मुस्लिम कहलाने के लायक नहीं होता। क्योंकि हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो हमें इस तरह का कभी भी दर्श नहीं देता कि आप दूसरों के ऊपर दंगे फसादात करें, दूसरों के साथ बम ब्लास्ट करें, खुद को शमले करें, जहाद के नाम पर उनको मार दें बिला वजह मासूम लोगों को, और मतलब तशद्दुद करें, इस तरह की चीज़ें हमारा इस्लाम हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। जो कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो भटके हुए लोग होते हैं और वो मतलब दो नंबर मराठाओं के साथ उनका ताल्लुकात वगैरह होते हैं, जो कि मुसलमान लोगों से उनका ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ बदनामी का बायस बनते हैं और एक मुस्लिम के नाम पे बदनामी का ठप्पा है, जो कि बहुत घटिया किस्म के लोग होते हैं। और हमारी तो नेक तमन्ना है और दुआ यही है कि अल्लाह उनको मतलब तौफीक दे के वो सुधरें और इस तरह की हरकतें ना करें। इस मूवी के अंदर भी इससे रिलेटेड टॉपिक है कि जो मतलब अब हिंदुओं के अंदर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हिंदू मज़हब भी इन सारी चीज़ों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। जो लोग दूसरे मतलब करते हैं वो नाम बदनामी के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों से करते हैं। तो इसी से रिलेटेड इस मूवी की कहानी है, जो फिल्म की शॉर्ट फिल्म की, जो कि आप जब देखेंगे तो एंजॉय कर सकेंगे। और हम यही कहेंगे कि हम मतलब हिंदू मुसलमान जो है सबको मिलके रहना चाहिए और आपस में हम भाई भाई हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वो सब भी सबको मिलजुल के रहना चाहिए, जो कि एक तरह से मतलब अमन अमानती और सलामती और मतलब सुकून का हम लोगों को दर्ज देना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए और ख़ुद भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए और दूसरों को भी इसका दर्ज देना चाहिए। तो चलिए बस इसी बात के साथ मैं एंड करूँगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यूज मूवी और मतलब इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Take care. Thanks for watching.